हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की चटनी। ये चटनी को आम का सीज़न ख़त्म होने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। सीज़न ख़त्म होने तक यही चटनी बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट भी बनती है। और आप एक की जगह दो रोटियां ज़रूर खाएंगे और ये 15 दिन तक ख़राब भी नहीं होती, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे नए वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चना दाल लिया है। यहाँ पर मैंने आधा कप जितना चना दाल लिया था। इसको अच्छे से एक बार वॉश करके मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आम लिए है। इस आम को सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर के छिलके निकाल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर छिलके निकालने के बाद इसको छोटे पीसेस में इसे कट करके लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट किया है। अब हमें यहाँ पर इसके छोटे पीसेस में कट करके लिया है। आप चाहे तो इसे कट करने की जगह इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे आम के पीसेस बनाकर रेडी करके लिए है। अगर आपको एक खट्टापन पसंद नहीं है तो यहाँ पर आम को आप कद्दूकस करके लीजिए और इसे अच्छे से निचोड़िए। इससे इसका खट्टापन थोड़ा कम हो जाता है और ये खाने के लिए भी अच्छा लगता है। अब हमें इसको मिक्सी जार में डालना है। सबसे पहले मैंने जो कट किया हुआ आम है इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे। उसके बाद हमें इसमें डालना है जीरा। जीरा मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाला है। 2 आम के लिए 1 चम्मच जीरा डालिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च डाली है। ये देखिए, यहाँ पर 4 हरी मिर्च को इस तरह से पीस बनाकर डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है। लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ पर 10 से 12 डाला है। उसके बाद जो हमने चना को अच्छे से भिगो कर लिया था, इसको भिगोने के बाद फिर से 1 से 2 बार अच्छे से इसे वॉश कीजिए। फिर इसे इस मिक्सी जार में डालना है। अब मैंने यहाँ पर इसमें 1/4 टेबल स्पून के करीब हल्दी डाली है। अब हमें यहाँ पर डालना है नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से पीस कर लेना है। अब ये देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो इसमें हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब ये देखिए, अच्छे से पीस कर रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर का तड़का बना कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच जितना ऑयल। अब हमें यहाँ पर इस ऑयल को अच्छे से गरम करना है। इसे गरम करते समय गैस को मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे रख के इसे अच्छे से गरम करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 से 3 लाल मिर्च को डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर करी पत्ते को डालना है। आप करी पत्ते को डालने से पहले गैस को ऑफ कीजिए, उसके बाद आपको करी पत्ता डालना है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर जीरा डाला है। ये तड़का परफेक्ट तरीके से बन कर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसके ऊपर सरसों भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर इस चटनी के ऊपर इसको डालते हुए इस आम की चटनी को परफेक्ट तरीके से बना कर लिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। एक बार आम का सीज़न ख़त्म होने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप ज़रूर एक की जगह 2 रोटियां ज़रूर खाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब